कैदियों को सुधारने के लिए जेलर ने रामायण का मंचन रखा जेल में। हुआ ये कि उस मंचन से जेलर ये कहना चाहता था, ये लोगों को बताना चाहता था रामायण के द्वारा, कि अगर देखा जाए कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अगर हम रामायण का मंचन करते हैं तो इनके क्या बदलाव होते हैं। एक सभी लोगों को रोल दिए गए, किसी को राम का, किसी को लक्ष्मण का, किसी को भरत का, किसी को शत्रुघ्न का, दशरथ का, हर एक तरह के रोल दिए गए और एक कैदी को दिया गया हनुमान का रोल। और जब यह सीन आया कि लक्ष्मण को वो मेघनाथ की तीर जब लगती है तो हनुमान जी को वो बूटी लाने के लिए भेजना होता है, तो वो जो कैदी हनुमान जी बना था वो गया बूटी को लाने के लिए। एक घंटे बीत गए, दो घंटे बीत गए, तीन घंटे बीत गए, चार घंटे बीत गए, तब लोगों को पता चला कि हनुमान जी भाग गए। तो दोस्तों इससे साबित ये होता है कि निगेटिव लोग एक कैंसर की तरह होते हैं समाज में, और उस कैंसर से आपने और मुझे दूर रहना है, क्योंकि समाज को खतरा निगेटिव लोगों से नहीं है, समाज को खतरा पॉजिटिव लोगों से है जो उस निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। निगेटिव लोग उस कोरोना वायरस की तरह होते हैं जो लगातार अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों तो कभी भी निगेटिव लोगों का साथ न रखें, निगेटिव लोगों से जितनी दूरी हो सकता है उतनी दूरी बनाए रखें, और देखेंगे कि लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी आएगी। और जैसे ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है आपका दिमाग 360 काम करता है और लाइफ में आप वो सारी चीजें हासिल करते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार रखें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भलाई की सप्लाई करते रहें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।